जो इंटर में 2021 में एडमिशन लेना चाहते हैं उसके लिए कुछ नोटिफिकेशन आया है। ये देखिए 11 का है, हम दिखा रहे हैं आपको। यहाँ पर है बिहार बोर्ड की तरफ से इंटर दाखिला के लिए अगले हफ्ते हो सकेंगे। इससे पहले जो है दिया था कि पहले हो जाएंगे, 11/8 से होगा ऑनलाइन, तो अभी जो है पोस्टपोन कर दिया गया है। और यहाँ पर लिखा है, आप लोग देख सकते हैं कि इंटर दाखिला के लिए अगले हफ्ते से करें ऑनलाइन आवेदन। इसका प्रोसेस देखिए क्या है दोस्तों, ये देखिए ये न्यूज़ है 11 तारीख का 5:29 PM में अपडेट किया गया है, हिंदुस्तान पेपर का है। आगे पढ़ते हैं दोस्तों, दिया है बिहार में इंटर में दाखिला लेने के लिए छात्र छात्राओं को अगले हफ्ते से ऑनलाइन आवेदन का मौका मिलेगा। बिहार ने 13 जून तक स्कूल कॉलेज को आवंटित सीटों पर आपत्ति दर्ज कराने को कहा है। इसका मतलब है दोस्तों कि बिहार जो है इंटर में दाखिला लेने वाले ऐसे स्टूडेंट हैं जिसका जो है ना अगले हफ्ते से ऑनलाइन करने का मौका दिया जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं, उसके बाद बोला है बिहार बोर्ड ने 13 जून तक स्कूल कॉलेजों को आवंटित सीटों पर आपत्ति दर्ज कराने को कहा। इसका मतलब हुआ जितना भी बिहार में स्कूल कॉलेज हैं उन सभी को बोला है अपडेट देने के लिए कि कितना सीट कॉलेज में बचा है या नहीं है, तो वही बोला है। उसके बाद है, इसके बाद ऑनलाइन आवेदन शुरू होगा। एक छात्र को कम से कम 10 कॉलेज या स्कूलों में आवेदन करने का विकल्प मिलेगा। बिहार बोर्ड कला विज्ञान और वाणिज्य तीनों संकाय में जिलावार सीटों में आवंटित कर दी गई है, इससे छात्र अपने ही जिला का आवेदन कर पाएंगे। इसमें दिया गया है जो बच्चा इंटर में एडमिशन लेना चाहते हैं कम से कम उसको पहले ऑनलाइन करवाना होगा। ऑनलाइन करवाने के बाद उसमें जो है 10 कॉलेज का नाम देना पड़ेगा, 10 कॉलेज चूज करना पड़ेगा, उसके बाद कर पाएंगे। उसके बाद है बिहार बोर्ड द्वारा ऑफिशियल वेबसाइट है OFSBR.in पर कॉलेज और स्कूलवार सीटों के अनुसार कला और विज्ञान संकाय के सारण जिलों में सबसे ज़्यादा सीटें आवंटित की गई है, वहीं मधुबनी जिला और वाणिज्य संकाय ज़्यादा आवंटित किए। इसके अलावा इस बार समस्ती नालंदा दरभंगा आदि जिलों में सबसे ज़्यादा सीटें हैं। चलिए दोस्तों आप लोग सबसे पहले देखते हैं सीट किस तरह से चेक करते हैं। चलिए दोस्तों।